नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है क्लास 10 12th लेवल आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां भी आपको सामाजिक विज्ञान में और क्लास 12th आर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सही है, गंगा नदी। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम शुरू हुआ था मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरठ, मेरठ। अगला प्रश्न देखिए, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में कुल कितने जिला है? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन डी लाल, सॉरी ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। मानचित्रों में नदी को दिखाया जाता है नीला रंग से, ऑप्शन नंबर डी सही है, नीला रंग से दिखाया जाता है नदी को, नीला रंग। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, कुमारगुप्त प्रथम। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर ए सही है, समवर्ती सूची में रखा गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1950 में। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है।
प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सभी। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कृषि से, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी व्यापार वगैरह सबसे। विनिर्माण ऑप्शन बी सही है। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा से, याद रखिएगा सेवा से, इसमें ऑप्शन नहीं आया है, सेवा से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? यानी कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसके लिए रोज यानी प्रतिदिन भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो 2400 कैलोरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2400 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि निजी जो भी कंपनी चला रहे हैं और सरकारी कंपनी चला रहे हैं दोनों मिलाकर के और सभी अन्य मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1949 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का, ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 बैंकों का किया गया था। आयत निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयत निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1982। दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।